स्टूडेंट्स का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एक टॉपिक है बिल्कुल स्टार्टिंग की पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स, आयोटा की पावर 1, 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स में आयोटा की नेगेटिव पावर्स अगर आप लेते हैं, ये टॉपिक सबको बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो इस टॉपिक को फंक्शंस के साथ रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस तैयार किए आपके लिए। जस्ट 5 क्वेश्चंस है, तो आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और अपना टाइम नोट करना है कि आपको कितना टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और इनका आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि टोटल आपको कितना टाइम लगा क्वेश्चंस करने में और आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए और कितने इसमें से रॉन्ग हुए क्वेश्चंस। तो टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको इनके आंसर्स डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इनके आंसर्स हैं अपने टैली करके अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो आंसर्स हैं वो कैसे आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारे पास जेड टू ए। जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, ए सेट हमें यहाँ पर गिवन है। एफ ऑफ एन इज आयोटा रेस टू पार एन, हमें ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ है और पूछा है कि जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक है, या ये तीनों ऑप्शंस, ऑल ऑफ दिस। तो कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। अगर हम यहां पर चेक करते हैं तो एफ ऑफ माइनस वन हमारा कितना आ रहा है बेटा, आयोटा की पावर -1 मींस 1 बाय आयोटा, और 1 बाय आयोटा की वैल्यू सबको पता है माइनस आयोटा होती है, और F1 कितना आ रहा है, आयोटा की पावर 1, तो ये आ रहा है आयोटा। इसका मतलब एफ ऑफ -1 हमारा -F1 आ रहा है, तो यहां से लग रहा है कि फंक्शन शायद ऑड हो सकता है। लेकिन अगर हम एफ ऑफ -2 फाइंड करते हैं तो वो आ रहा है हमारा आयोटा की -2, तो 1 बाय आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर -1 है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी -1, और F2 आप सॉल्व करते हो तो वो आएगा आयोटा स्क्वेयर, तो वो भी -1 आ गया। इसका मतलब F-2 क्या आ गया, F2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 1 के लिए तो Fx, जब हमने x को 1 पुट किया तो F-x-Fx बना, और जब x को 2 पुट किया तो f-x = fx बन गया। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल x सेम आना चाहिए। x को 1, 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी पुट करो, या तो हमेशा f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए, या फिर हमेशा f ऑफ -x - fx के इक्वल आना चाहिए, तभी वो इवन या ऑड बनेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, बट ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्योंकि हमें पता है आयोटा रेज टू पावर 4 हमेशा 1 होता है, तो एफ ऑफ n+4 लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, आयोटा रेज टू पावर n+4, जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा n इंटू आयोटा 4, और आयोटा 4 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये बन गया आयोटा रेज टू पावर n, वापिस एफ एन आ गया। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होगी कि अगर एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स, तो वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहां पर एफ एन प्लस फोर ऑलवेज इक्वल टू एफ एन आ गया, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, बस दोनों में क्या डिफरेंस था कि ये थोड़ा इसमें ऑल ऑफ दीज था जिससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और यहाँ पर क्या है, ये नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो पता ही है कि पीरियोडिक तो फंक्शन है ही है आयोटा रेज टू पावर एन, तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एफ एन टू ए सच दैट एफ एन इज आयोटा रेज टू पावर n+2, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर्स के लिए है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, हमें पता है आयोटा रेज टू पावर एन पीरियोडिक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कर लिया। यहाँ पर फंक्शन n+2 दे रखा है, तो कहते हैं ये भी पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या आएगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स की 2 टिक कर देते हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखो, तो एफ एन आयोटा रेज टू पावर एन प्लस टू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा एन इंटू आयोटा स्क्वेयर,
आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस ऑफ आयोटा रेज टू पावर एन। तो आयोटा रेज टू पावर एन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 4 है, ठीक है। तो माइनस आयोटा एन भी पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड भी 4 ही आएगा, क्योंकि पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर यहां से आपको थोड़ा भी डाउट रहता है तो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो बेटा कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने एन में 1, 2, 3, 4, 5 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनकी इमेजेस फाइंड कर ली। तो एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर एन को 1 पुट किया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ गया। एफ टू की वैल्यू 1 आ गई, एफ थ्री की वैल्यू यहाँ पर एन को 3 पुट किया तो आयोटा 5 हो गया, और आयोटा 5 आयोटा के इक्वल होता है। एफ फोर की वैल्यू माइनस वन आ गई, एफ फाइव की वैल्यू अगेन माइनस आयोटा आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ फाइव हमारा एफ वन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पीरियड हमारा कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 4 ऐड करने से वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एन टू ए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स टू ए सेम सेट दे रखा है हमें, सेम ही फंक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिलेट कर दिया इंजेक्टिव, सजेक्टिव, बाइजेक्टिव और नन ऑफ दिस, क्या ऑप्शन आएगी। इंजेक्टिव का मतलब होता है बेटा कि फंक्शन वन वन है और इनटू है। इनटू मतलब कि सेकंड जो सेट है, कोडोमेन जो हमारी है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, अनरिलेटेड एलिमेंट्स हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा मैनी वन ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन एंड ऑन टू, कि वन वन भी है फंक्शन और ऑन टू भी है फंक्शन, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की पावर एन है, तो यहां पर भी हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया है कि आयोटा की अगर हम नेचुरल नंबर्स में पावर्स लेते हैं तो आयोटा की वन आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन आएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आएगा, आयोटा की 4 1 आएगा। तो आयोटा की एन ये सब कुछ आएगा टर्न बाय टर्न। इसका मतलब ए सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। ए सेट के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू तो है ही, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन कभी भी वन वन नहीं होता, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज मैनी वन। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि एफ वन की वैल्यू आयोटा है और एफ फाइव की वैल्यू आयोटा की 5 सेम आयोटा। तो 1 नॉट इक्वल टू 5 बट उनकी इमेजेस सेम आ गई। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाए तो फंक्शन वन वन नहीं होता। तो ये फंक्शन मैनी वन है और ऑन टू है, इसलिए इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास सब्जेक्टिव, बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर फंक्शन हमें दे रखा है ई टू ए, ठीक है। फंक्शन हमने सभी में सेम लिया है, सिर्फ डोमेन या कोडोमेन चेंज किए। तो यहां पर ई मींस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, आप बताइए सबको। 0, 2, -2, 4, -4, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर्स का सेट है और ए हमारे पास यही है। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या दोनों, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, इवन फंक्शन कब होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पे सेम ही रिलेशन बने। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी, कि या तो f माइनस एक्स हमेशा एफ एक्स आए या f माइनस एक्स हमेशा माइनस एफ एक्स आए। तो क्योंकि n हमें e में से लेना है, तो e क्या है, इवन इंटीजर्स है, तो हमने मान लो n को 2 सपोज कर लिया। तो f माइनस टू की वैल्यू फाइंड की, माइनस वन आ गई, f टू की वैल्यू वो भी माइनस वन आ गई, तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये इवन फंक्शन हो सकता है, और तो नहीं आएगा इसका मतलब। तो हमने एक और चेक किया, f माइनस फोर 1 आ गया, एफ फोर चेक किया वो भी 1 आ गया। तो इसका मतलब 2 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी ट्रू है, 6 8 पे भी चेक करना चाहो कर सकते हो। वैसे आपको पता ही लग जाएगा कि ये फंक्शन हमारा क्या है,
इवन फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।